कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान यानी कि बत्ती सी दिखाना शुरू कर दें। ठीक, जैसा कि आप थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान चुके होंगे, मेरा नाम किसलय है और बहुत ही प्यारा नाम है। ठीक, कुछ बच्चे कमेंट में कह रहे हैं सर बकैती आप बहुत करते हो। भाई पढ़ाई में थोड़ी हल्की फुल्की बकैती ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उधर बैठ के बोर होने लगेंगे और जैसे ही बोर होने लगेंगे वैसे स्किप करके जो है वह आप किसी और चीज़ पे चले जाएंगे। तो अपन थोड़ा आपको एंटरटेन करते रहेंगे, ठीक है? तो आइए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज पार्टनरशिप का थर्ड लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, अगर इजाज़त है तो। मैंने मान लिया कि आपकी इजाज़त है, अज्यूम दैट, अपन अज्यूम बहुत करते हैं। ठीक, आज की जो क्लास है वो स्पेशली पार्टनरशिप, कुछ भी नोट नहीं करना अभी, आपको कुछ बातें समझनी है आज पार्टनरशिप के लीगल एस्पेक्ट के बारे में। पूरी एनर्जी चाहिए आपकी हमें, प्लीज, बिना एनर्जी काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव एनर्जी एंड हल्की सी मुस्कान ये बहुत ही रिक्वायर है, कह सकते हैं मस्ट है किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले के लिए। और क्लास देखने से पहले सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपका, इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको आपसे। तो बेटा आज की क्लास क्या है, क्यों है आज की क्लास? बेटा पार्टनरशिप का स्पेशली लीगल एस्पेक्ट है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका अकाउंटिंग से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम आपके ओवरऑल नॉलेज के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल नॉलेज के डेवलपमेंट की बात करते हैं, सुन रहा है ना तू? तो जब अपन ओवरऑल नॉलेज के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लीगल एस्पेक्ट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। इसलिए आज हम आपको स्पेशली पार्टनरशिप के लीगल एस्पेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे ही आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो आपको एक वर्ड मिलता है जिसका नाम होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेरे बोलने से तुम लोगों ने स्किप तो नहीं कर दिया ना इस वीडियो को, प्लीज लल्ला देख लेना मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों। हैं, ओ मम्मी से बोलना काला टीका लगा दे, नजर ना लग जाए, बहुत प्यारे लग रहे हो, और देखो इधर जरा। तो अपन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और पहली डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा सेक्शन 4। हाँ सर पढ़ा तो था, बट आज अचानक से आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक्ट क्या होता है, सुन रहा है ना तू? ये एक्ट क्या होता है, ये सेक्शन क्या होते हैं, बिना इसके पढ़े अकाउंटिंग शुरू ही नहीं करेंगे अपन, प्रॉमिस पक्का। देखो इधर एक्ट क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जो ये एक्ट है, एक्ट बनाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट को, हमारे संसद को है, बिकॉज हमारे इंडिया की जो सुप्रीम बॉडी है, जो लॉ बनाती है, वो हमारी पार्लियामेंट है, सुप्रीम बॉडी है लॉ क्रिएट करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, या पार्टनरशिप कह सकते हैं। इस वीडियो का सुन रहा है ना तू, इस वीडियो का 1% या 2% यूज होगा इन अकाउंटिंग में, बट मैं ये चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जरूरी है बेटा, इसलिए नॉलेज के बूस्टअप के लिए जरूरी पार्ट है
और प्लीज आप इसे स्किप मत करिएगा, बिकॉज मैंने शुरू में एक लाइन गैप गलत बोल दिया कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे स्किप भी कर देंगे। एनीवे आ जाइए, तो समझते हैं ये एक्ट क्या होता है, जानना चाहते हैं सभी लोग? पक्का? यस सर, यस सर। एक्ट समझेंगे फिर सेक्शन समझेंगे। समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा। हमारे इंडिया में ये जो एक्ट है वो एक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सुप्रीम बॉडी को है, जिसका नाम है पार्लियामेंट। हमारे यहाँ अगर कोई एक्ट बनाना है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाना है, तो पहले हम इसको ऐसे बिल ड्रॉफ कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, आप देखिए जरा, यहाँ लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, दिख रहे हैं? ओके, थैंक यू। पार्टनरशिप एक्ट बनाने से पहले हमने बनाया होगा पार्टनरशिप बिल 1932। ये एक्ट ऐसे नहीं आया, एक्ट आने से पहले ये बना बिल, ठीक है। और हमारे यहां लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? सर, पार्लियामेंट के पास है। और वहां पे दो हाउसेस होते हैं, एक लोअर हाउसेस जिसको राज्यसभा कहते, सॉरी लोकसभा कहते हैं, सॉरी, और फिर एक है अपर हाउस। तो ये जो बिल है ये पहले लोअर हाउस में जाएगा, सुन रहा है ना तू? ये जो बिल है वो पहले लोअर हाउसेस में जाएगा, फिर अपर हाउसेस में, और फिर जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देंगे, सहमति, तब ये बिल बन जाता है क्या? एक्ट। एक बार फिर से रिवाइज करिए मेरे साथ साथ, बोलिएगा, सुन रहा है ना तू? पार्टनरशिप एक्ट, हमारे यहाँ एक्ट मतलब लॉ। लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? बोलो सर, लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस हैं? दो हाउसेस, एक लोअर हाउसेस, एक अपर हाउसेस। पहले ये बिल इसमें जाएगा, अगर यहाँ पास हो गया तो फिर इसमें जाएगा, और यहाँ पास हो गया तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है ना? तो प्रेसिडेंट अगर इस पर अपनी एसेंट दे देंगे तो ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। तो आज से जब भी आप एक्ट समझें, एक्ट जब भी आप सुने, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट ऐसे ही पास होता है, यही तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एक्ट बनाया क्यों गया, ये एक्ट बनाया क्यों गया? फिर दूसरा, फिर सेक्शन समझेंगे कि सेक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्ट क्यों बनाया गया, बहुत ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर सी है, तीन पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलके एक, सुन रहा है ना, तो थ्री पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया है। किसको क्रिएट किया है? पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया है। आगे चल के इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा। अक्सर जहां विटामिन एम होता है, विटामिन एम का मतलब बिटवा, एम का मतलब मनी, जहां जहां ये विटामिन एम आया मतलब पैसा, वहां पक्का लफड़ा तो होना बनता ही है, लफड़ा, यू नो, डिस्प्यूट। तो इन थ्री पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया? लफड़ा हो गया। तो अपन लफड़ा होने के बाद कहां जाते हैं? इलाहाबादी अगर होएगा तो कहेगा सर अपन जो है तमंचे की नोक पे लफड़ा समझा लेंगे। ना ना, वो इलाहाबादी नहीं है, ठीक है। तो सुनेगा, सुनेगा। तो थ्री पार्टनर्स थे, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, ये तीनों चले गए कोर्ट। कहां चले गए? कोर्ट। कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सी परेशानियां होती हैं,
तो कोर्ट परेशान हो गया कि बार बार कोई छोटी सी 100 रुपए चंदी चोरी की बात है तो ये चले गए कोर्ट। कोर्ट परेशान हो गया, कहा हम इनके डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर सकते। किससे कहा? कोर्ट ने। तो फिर हमारी पार्लियामेंट ने मिलके एक लॉ बनाया, उस लॉ का नाम था पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिकॉज किसी को भी दिक्कत होती है, डिस्प्यूट होती है, वो कहां जाता है? कोर्ट। तो कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत केसेस हो गए, तो कोर्ट ने कहा भाई इनके लिए कॉमन लॉ बनाई है जिससे ये सुपरवाइज और गवर्न हो पाए। तो उसके तहत हमारे पार्लियामेंट से पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना, और इसी एक्ट के द्वारा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी डिस्प्यूट है, इसी एक्ट के थ्रू ही सेटल होगा। वन मोर टाइम, ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये जो है पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करता है, ये पार्टनरशिप को कंट्रोल करता है, ये पार्टनरशिप को सुपरवाइज करता है, ये पार्टनरशिप के डिस्प्यूट को सेटल करता है। और अगर ये एक्ट नहीं सेटल कर पाता तब फाइनली आपको कहां पे जाना पड़ेगा? कोर्ट में। लेकिन पहले इस एक्ट में आना पड़ेगा, इस लॉ के थ्रू सारे डिस्प्यूट आपके सेटल होंगे। तो ये पर्पस था इसको बनाने का। अब बात समझ में आई? मैं बार बार कह रहा था पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो थोड़ी क्लैरिटी बनी? अगर वीडियो अच्छा लगेगा बेटा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और मुझे भी बताइएगा कमेंट में कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक सर, रो मत ना प्लीज। अच्छा हाँ, आ जाओ भाई, सुन रहा है ना तू? सुनो, सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई थी। ये सेक्शन क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा जब कोई बड़ी चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है तो उसको हम पॉइंट वाइज कर देते हैं, पॉइंट वाइज। तो जब कोई एक्ट बनता है, कोई लॉ बनता है, तो उस लॉ में ढेर सारी बातें होती हैं, उन बातों को नंबर में कर देना, नंबरिंग कर देना उनका, उसी नंबर को सेक्शन कहते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये सेक्शन अल्फ़ाबेट के हिसाब से होते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब, जैसे सेक्शन अगर कोई ए नंबर है, ए डिजिट है, बी है, सी है, ये अल्फ़ाबेट है, उसी के हिसाब से ये सेक्शन भी डिज़ाइन होता है। तो पहले दो बातें मैंने आपको समझाई, एक्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। सेक्शन का मतलब जस्ट लाइक नंबरिंग, किसी बड़ी बातें थी, उन बड़ी बातों को हमने नंबर वाइज, ये इसका नंबर होगा, ये इसका नंबर होगा, ये इसका नंबर होगा, तो वो क्या बन गया बेटा? सेक्शन बन गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट और सेक्शन क्या होता है, और भी बहुत सी बातें हैं, आते हैं। चलिए चलिए फटाफट से बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलो चलो भाई, आ जाओ आ जाओ, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आ जाओ आ जाओ, आओ सुनाए लीगल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आइए देखिए जरा, नेचर ऑफ पार्टनरशिप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अ पार्टनरशिप, सुनिए एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, केवल व्हाइट बोर्ड पे आपको देखना और कहीं नहीं देखना है। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं बीच बीच में तो बंद कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, अच्छा, तो अ पार्टनरशिप फॉर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब सुनिए सुनिए, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, एक मिस्टर सी है, इन तीनों ने मिलके एक फर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी फॉर्म। क्या नाम है? ए बी एंड सी फॉर्म। कितने पार्टनर है बेटा? 3। नेम ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी। इन्होंने एक फर्म क्रिएट किया जिसका नाम है ए बी एंड सी फॉर्म।
ठीक है बेटा, ये जो भी वर्क करेगा ए या बी या सी, वो वर्क किसका माना जाएगा? फर्म का माना जाएगा। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बिकॉज फर्म कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, फर्म कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता, जो भी होगा वो पार्टनर ही करेंगे, फर्म आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूं, एक मिनट सुनना, जैसे मैं कहूं फर्म ए बी एंड सी, एक फर्म है एंड फर्म एक्स और वाई, दो फर्म है, फर्म ए बी सी है और फर्म एक्स वाई, इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, फर्म के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो ये जो फर्म है, ये फर्म किसकी एक्टिविटी से बाउंड होगा? पार्टनर्स की एक्टिविटी से बाउंड होगा, ये नेचर है। तो लिखा हुआ है अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब पार्टनर्स और फर्म इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर कोई लॉस होता है, तो वो मिस्टर ए की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी दिया जा सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके भी दिया जा सकता है, बी के भी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके भी दिया जा सकता है, सी के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करके दिया जा सकता है। इट मींस अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। क्या होता है? बोलो, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अगर फर्म में कोई लॉस होगा, कोई प्रॉफिट होगा, ये सभी चीजें कौन बियर करेगा? पार्टनर्स। प्रॉफिट हो रहा है तो भी कौन ले रहा है? पार्टनर्स। अगर लॉस होगा तो भी कौन बियर कर रहेगा? पार्टनर्स। मींस लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है थ्रू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स। वन मोर टाइम, थ्रू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स। इसी बात को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वो गलती चाहे किसी की हो, मान लो, सुनो, मान लो बिजनेस कौन कैरीड कर रहा है? ए। आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, जो बिजनेस कैरीड करता है उसे क्या बोलते हैं? एजेंट। और बाकी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। आपने पढ़ा होगा मेरे लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना, जो पहली वीडियो थी। मान लो ए बिजनेस को कैरीड कर रहा है और लॉस हो गया। सुनना ध्यान से, क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये लॉस किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से लिया जा सकता है? ए के केवल? नहीं, ए के भी, बी के भी, सी के भी। मतलब कोई भी गलती करे, भुगतान सबको करना पड़ेगा। जैसे कोरोना, COVID-19 किसकी देन है? चाइना की। और कौन कौन भुगत रहा है? ऑलमोस्ट कंट्रीज। उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस उनके पास गया कि नहीं गया? प्रॉब्लम क्रिएट किसने किया? चाइना ने। और भुगतान सब कर रहे हैं, प्रॉब्लम सबके यहाँ अराइज हो रही है। वैसे ही पार्टनरशिप में भी है, गलती चाहे जिसकी हो, सजा तो सबको मिलेगी। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। याद करने का तरीका, COVID-19 किया किसने कांड? चाइना ने। भुगत कौन रहे हैं? सारे लोग, अपन भी भुगत रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। करे कोई और, भुगते कोई और। यहां ये बात नहीं, करे कोई और भुगते सब। अगर एक कर रहे हैं तो भी सारे के सारे पेमेंट करने पड़ेंगे, पक्का। तो ये मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक जोक सुनाऊं आप लोगों को? पहले पढ़ाई कर लो, बकायती बहुत करते हैं आप लोग।
सुनिए, मैक्सिमम लिमिट, देखिए पार्टनरशिप में जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है वो दो, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में एटलीस्ट 2% चाहिए, तो सवाल ये उठता है मैक्सिमम कितने चाहिए। तो बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर 50 फॉर एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। ये बात कहां लिखी गई है? एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस एक्ट 2014। सुनेगा अब बच्चा मेरे से यहां बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछता है, कहता है सर पढ़ा हम पार्टनरशिप एक्ट रहे हैं, पढ़ा हम कौन सा एक्ट रहे हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932, और नंबर किसके हिसाब से दिया गया है? कंपनीज एक्ट के थ्रू दिया गया। तो इस बात को याद रखिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे भी मैक्सिमम नंबर की बात नहीं की गई है, मैक्सिमम नंबर की बात किस एक्ट में की गई है? कंपनीज एक्ट में की गई है। किस एक्ट में की गई है? कंपनीज एक्ट में। एक्ट बनाने का रूल सबके लिए एक ही है, एक्ट बनाने का जो रूल है, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, हम अभी नाराज हो जाएंगे, बता दे रहे हैं, गुस्सा हो जाएंगे, फिर कोई मनाएगा भी नहीं मेरे को है? चलो आ जा भाई, सुनना भाई सुनना प्लीज, एक बार फिर से बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम नंबर बोलो ना, मैक्सिमम नंबर 50। एग्जैक्टली कहां लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट नहीं, कहां पे? कंपनीज एक्ट में। कहां पे? कंपनीज एक्ट में। थैंक यू, बहुत अच्छा। रजिस्ट्रेशन सुनते जाइए, सुन रहा है ना तू? रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज ऑप्शनल बट नॉट कंपल्सरी। आप अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। किस सेक्शन में? सेक्शन 69। आप अपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, ठीक? पक्का? प्रॉमिस? ओके। नाउ सुनेगा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, माइनर, एक छोटा सा रिवीजन कराते हैं। हमने आपको बताया था, बहुत ध्यान से सुनेगा प्लीज, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पे होनी चाहिए, ठीक है? ओके, सुनेगा, ठीक। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप का क्रिएशन वही लोग कर सकते हैं जो एग्रीमेंट कर सकते हैं। जो पर्सन एग्रीमेंट करने के लिए, सुनिए बहुत ध्यान से, जनरली कोई बताता नहीं ये टॉपिक बेटा, क्यों नहीं बताता? बिकॉज जहां पे डिफिकल्ट सेक्शन आता है वहां पे टीचर अपने आप को पीछे ले जाना चाहता है, कोई भी टीचर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता। बट मुझे पूरा बिलीव है, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है? बहुत आगे तक जाना है, बहुत अच्छी बातें लेके आए हैं, ठीक है? तो सुनेगा बहुत प्यार से, तो सुन रहा है ना तू? बक बक कर रहा हूं मैं, हेलो
पार्टनरशिप का फॉर्मेशन वही लोग कर सकते हैं जो एग्रीमेंट के लिए वैलिड है। मैंने पहली क्लास में बताया था कौन कौन से लोग एग्रीमेंट के लिए वैलिड नहीं है। मैंने बोला था माइनर, मैंने बोला था अनसाउंड माइंड, मैंने बोला था डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। ये लोग एग्रीमेंट के लिए वैलिड नहीं है। ये तीन लोग कौन कौन लोग? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। ये तीन लोग इज नॉट वैलिड फॉर ए एग्रीमेंट। इट मीन्स ये लोग पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ये लोग पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये पार्टनरशिप का क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन माइनर के लिए एक स्पेशल लाइन सुनिएगा, आ गया, सुनिए। माइनर के एडमिशन के लिए अ माइनर मे बी एडमिटेड टू प्रॉफिट्स विथ द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एज पर सेक्शन 30। सुनिएगा, एक पार्टनर एडमिट हो सकता है, एक माइनर एडमिट हो सकता है, अ माइनर एडमिट हो सकता है, लेकिन केवल किस बात के लिए? प्रॉफिट के लिए और किसी भी चीज के लिए नहीं। माइनर केवल प्रॉफिट के लिए एडमिट हो सकता है। माइनर को लेके आप पार्टनरशिप फॉर्म का क्रिएशन फॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन माइनर आप एडमिट कर सकते हैं किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए। बट ऑल द जो भी पार्टनर्स हैं उनके एग्री होने पे आप किसी भी माइनर को, सारे पार्टनर अगर चाहें तो एक माइनर को फॉर्म में एडमिट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या क्या पढ़ा आपने? पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, फिर क्या पढ़ा? सेक्शन क्या होता है, फिर क्या पढ़ा? नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? अनलिमिटेड होता है लाइबिलिटी। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 50 होते हैं। कहाँ दिया गया है? कंपनीज एक्ट में। कहाँ दिया गया है? कंपनीज एक्ट में। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी कहाँ है? सेक्शन 69। माइनर एडमिटेड, यस, केवल किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए। किस में? सेक्शन 30 में। ठीक है, अब देखो, माइनर एम है, एम का सेक्शन 30, आर रजिस्ट्रेशन, आर सेक्शन 69। मैंने बोला था ये जो सेक्शन है नंबर होता है, और ये नंबर किस तरीके से चलता है? अल्फाबेट से चलता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आपको एक बात नहीं लगता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितना भी लॉस हो वो सब हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है, उसको भी सेल करके पैसा देना पड़े, तो कहीं ना कहीं गलत है। तो टाइम टू टाइम चीज़ें ये बदलती रहती हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, एक छोटा सा नॉलेज के लिए बस। LLP, सुनेगा क्या नाम दिया मैंने? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बस 10 मिनट्स और बेटा, बस 10 मिनट्स और खत्म होने वाला है। बस एक्सप्लेन कर ले, छोड़ देंगे, पक्का प्रॉमिस। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, LLP, पार्टनरशिप और LLP, इन दोनों का, LLP को लाने का पर्पस क्या था? जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है।
ये इसके ड्रॉबैक्स थे। तो कह सकते हैं पार्टनरशिप के ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए कौन आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। दोनों का फर्क समझिए। आ जाइए रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप में पड़ा नॉट कंपल्सरी, यहां पे क्या है कंपल्सरी। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा सर, नेम नो गाइडलाइंस, जैसे कोई भी नाम रख सकते हैं, एक्स वाई जेड है, कोरोना फॉर्म, फॉर्म का नाम कोरोना भी रख सकते हैं, कोई गाइडलाइन नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, हंता भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आप करोगे सर कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो, बट यहाँ पे जो भी नाम लगाएंगे वो नाम के लास्ट में LLP लगेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, वो लगेगा ही लगेगा गाइडलाइन में। यहाँ पे आ जाइए लाइबिलिटी, जैसा कि अनलिमिटेड, बट यहाँ पे लिमिटेड, और लिमिटेड कहाँ तक, कॉन्ट्रीब्यूशन तक, जितना पार्टनर्स ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया फर्म में बस वहीं तक उनकी लायबिलिटी, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। जितना पार्ट, अब सुनो हुआ क्या, जैसे कि देखो ए बी, ए ने 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया है और बी ने भी 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया है, तो मान लो फर्म में लॉस हो गया 3 लाख रुपीज का, तो ए को कितना देना पड़ेगा 1,50,000 और बी को भी कितना बियर करना पड़ेगा 1,50,000, तो वो लॉस इनकी कैपिटल से ज्यादा हो गया ना, बोलो हाँ। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1 लाख, तो जो भी ये लाइबल है केवल कितने के लिए, 1 और 1 लाख के लिए। तो कह रहे लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना आप कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे वहीं तक आपकी लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं। एक बार फिर से, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नेम, नो गाइडलाइंस, यहां पे आपको लास्ट में LLP लगाना पड़ेगा। लायबिलिटी अनलिमिटेड, यहां पे लिमिटेड है। लीगल एंटिटी नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं, ये दोनों ही अलग है, फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। मैक्सिमम नंबर 50 पार्टनर्स, अच्छा मिनिमम कितने हो सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम सर 2 हो सकते हैं। LLP में नो मैक्सिमम लिमिट, सबको चाहे जितने लोग हैं सबको लेते आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम सर, मिनिमम यहाँ पे भी 2 ही चाहिए, ध्यान में रखिएगा, मिनिमम दोनों ही क्या चाहिए, पार्टनरशिप के लिए भी मिनिमम कितने चाहिए 2, इनके लिए भी मिनिमम कितने चाहिए 2, इनका मैक्सिमम 50, इनका मैक्सिमम नो लिमिट। नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट का मतलब कोई फॉरेनर, क्या कोई फॉरेनर पार्टनर्स बन सकता है, नहीं, पार्टनरशिप में नहीं, LLP में हाँ, मतलब अगर कोई फॉरेनर है तो LLP में, जैसे जेम्स बॉन्ड को अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वैन डीजल को पार्टनर बनाना चाहते हैं, पेट्रोल को पार्टनर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। आइए ऑडिट वाला सेक्शन अभी रहने दीजिए, ऑडिट आप बस पढ़ लीजिएगा इसको, है नहीं तो अभी आपको ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। ऑडिट के बारे में बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। तो ये था बेटा आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, आई होप आपको पसंद आया होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इतनी सी मेहनत करके कमेंट बॉक्स में मेरे को अप्रिसिएट कर लीजिएगा। हम लोगों का बस इतना सा रेमुनरेशन होगा कि आपका एक थैंक यू ही मेरा रेमुनरेशन होगा। बहुत एफर्ट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, नोट्स आपके लिंक पे है, अगर नोट्स नहीं मिला हुआ है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे आ जाइए, इस नंबर पे 9451506506, ये ठीक।
थैंक यू।